सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोट पर पाबंदी लगा दी है। आने वाली 30 सितंबर तक जिनके पास भी 2000 के नोट हैं वो बैंकों में जमा करवा सकते हैं। तब तक ये 2000 के नोट चलन में बने रहेंगे। भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस फैसले के बाद जिन लोगों के पास भी 2000 के नोट हैं वह लोग उनको लेकर परेशान भी नजर आ रहे हैं। अब इसी बीच 2000 के नोटबंदी से ज्वेलरी कारोबार में आंशिक रूप से कई शहरों में नई चमक देखने को मिल रही है। कैसे, आइए जानेंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृतिका और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने का ऐलान किया है। RBI के नोटिफिकेशन के बाद गुजरात में सोना महंगा होने की बातों का ज्वेलर्स एसोसिएशन ने खंडन किया है। उनका कहना है कि सोना खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या बड़ी है। दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में 2000 के नोट बंद होने की खबर आने के बाद सर्राफा बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। बैंकों में 2000 का नोट जमा कराने से बचने के लिए लोग गोल्ड खरीदने की होड़ में लगे हैं। हालांकि दिल्ली के सबसे बड़े सर्राफा बाजार कूचा महजनी की बुलियन मर्चेंट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ऋषि वर्मा के मुताबिक मार्केट में 2000 के नोट बंद होने से पैनिक है, लोग गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं। वहीं हमारे पास भी एक लिमिट है जिसके चलते हम बैंक में 2000 के नोट के रुपए जो है वो जमा करा सकते हैं, क्योंकि हमें भी बैंकों में 2000 के नोट जमा कराने पर जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि ग्राहक दुकानों पर अच्छी खासी संख्या में पहुंच रहे हैं, तो इस नोटबंदी से पहले जैसे हालात तो नहीं हुए हैं लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी तो जरूर हुई है। आपको सरकार का ये कदम किस हद तक सही लगता है कॉमेंट करके जरूर बताएं। और भी ऐसी वीडियोज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।